और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार राज्यपाल स्पीकर को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। बीजेपी की तरफ से लगाई गई थी फ्लोर टेस्ट के लिए याचिका और फिलहाल कल तक के लिए ये सुनवाई टाल दी गई है। वहीं एमपी सरकार स्पीकर और राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार राज्यपाल स्पीकर को नोटिस, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस पूरे मामले को लेकर अब कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार सरकार और राज्यपाल स्पीकर को नोटिस और कल तक इस पूरे मामले को लेकर 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। अनामिका हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, मध्य प्रदेश फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। वहीं एमपी सरकार राज्यपाल और स्पीकर को नोटिस भी भेजा गया है और 10:30 बजे तक कल जवाब मांगा गया है। क्या अपडेट है आपके पास इस मामले पर? बिल्कुल, हमने देखिए कभी भी जब कोई भी केस जो है जब वो याचिका दी जाती है तो दोनों ही पार्टी का वहां पे शामिल होना बहुत जरूरी होता है। और आज देखिए कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से कोई भी जो प्रतिनिधि है वो शामिल नहीं थे इस याचिका को लेकर के। जैसी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका लगाई गई है, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से कोई नेता मंत्री कोई भी शामिल नहीं थे। जबकि देखा जाए तो उमंग सिंघा, जीतू पटवारी जो है दिल्ली में ही मौजूद है। वही दूसरी तरफ बता दें, कोर्ट ने जो है तमाम विषय को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से यदि बात करते हैं तो तमाम पार्टी से इनसे जो रिलेटेड जितने भी विषय हैं उनको लेकर के जो है एक रिस्पॉन्ड नोटिस जारी किया है कि जिसको लेकर के तमाम जो पार्टी है वो रिस्पॉन्ड करे जो भी याचिका दायर की गई है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की तरफ से तो याचिका लगाई ही गई थी। वही कांग्रेस की तरफ से जो है एक उसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोटिस जारी किया वो कल सुबह 10:30 बजे तक का समय दिया गया है कि 10:30 बजे तक जो है ये जो रिस्पॉन्ड है वो कर दिया जाए कि क्या कुछ पूरा मामला है, कांग्रेस अपनी तरफ से क्या कहना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।